हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में या फिर अदर टेट एग्ज़ाम में जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और सीटेट एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसमें 5 नंबर की समावेशी शिक्षा आती है। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, कि जब हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ सभी को पढ़ाना, एक ही छत के नीचे सारे बच्चों को पढ़ाना। तो जब हम एक ही छत के नीचे सारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे कोई देख नहीं सकता या फिर किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम उन बच्चों को रेगुलर बच्चों के साथ शामिल करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या चीज़ है, इनमें से हमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे हमें चूज करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या फिर एक काल्पनिक लक्ष्य है जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देना है। तो चलिए हम इसे चूज करते हैं, इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। सबसे डी नंबर देखते हैं, विद्यालयों पर भार बढ़ा देना है, ये तो गलत है कि ये विद्यालय पर भार नहीं बढ़ाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल कर लेना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि हमें एक ही छत के नीचे बच्चों को पढ़ाना है। सेकंड ऑप्शन है जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इससे क्या होगा, अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही क्लास में शामिल कर लेंगे तो ये चीज़ बताएगी कि ये क्या है, हमारी एजुकेशन है कौन सी वाली, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप लोगों के 5 नंबर पक्के हो सकें, क्योंकि मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से वही लिए हैं। इससे क्या होगा, आपके 5 नंबर पक्के हो सकते हैं और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ये हमारी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लिखावट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिखावट की, तो ग्राफ जानते हैं, जब भी लिखते हैं तो पैराग्राफ वगैरह, तो जब भी हमारे माइंड में आ जाए लिखावट की बात आ जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डिसग्राफिया। कौन सा आंसर हो जाएगा, डिसग्राफिया। और जो डिसलेक्सिया होती है वो हमारी पठन विकार होती है। कौन सी विकार होती है, पठन विकार। और डिसकैलकुलिया कौन सी होती है, जो मैथ से रिलेटेड होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, जो पिछली जाति के बच्चे हैं या फिर उन्हें एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम उन्हें अपनी एजुकेशन में शामिल करेंगे तो शिक्षक को क्या ज़रूरी है, मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में शामिल होने वाली, मतलब कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ये हम यहाँ से ये चूज करके चलेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहा है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि हमें सारे बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों में हीन भावना नहीं आएगी।
उन सी ऑप्शन कहता है, उन पर ध्यान न देकर नहीं, बच्चों पर हमें सारे बच्चों पर ध्यान देना है, उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दें, बिल्कुल नहीं, हमें क्या करना है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना है, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना है, उन्हें के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानना है कि किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है और वो किस चीज़ से ज़्यादा समझ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अधिगम अशक्ता वाले, मतलब जिन बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शिकार है, जो कुछ सीख नहीं सकते, वो कैसे बच्चे होते हैं? बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तो जो लर्निंग अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मंद बुद्धि होते हैं, नहीं, पहला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, ये भी गलत है। जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, जो अपना अच्छे स्कोर करते हैं पढ़ाई में, उन्हें भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में क्या होता है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में भ्रम होने लगता है। क्या होने लगता है? एक समान जो वर्ड दिखाई देते हैं उनमें भ्रम होने लगता है। डॉग को गॉड पढ़ेगा बच्चा, जी को डी पढ़ेगा, ये चीज़ें बच्चे में होने लगती हैं, मतलब उसे मिरर रिफ्लेक्शन आता है। तो इसमें क्या, लर्निंग अक्षमता वाले बच्चे को क्या होगा, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विविध विद्यालयों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, मतलब जहाँ डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, जहाँ अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं, उन्हें एक ही कक्षा में शामिल करना क्या चीज़ कहलाएगी? हम इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। कार्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए और विद्यालय को क्षमता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। क्या करना है कि हमें एक ही कक्षा में सारे बच्चों को नहीं बिठाना है और बच्चों को क्या करना है, अलग करना है। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। या फिर सक्रिय रूप से निरुत्साहित करना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो हमें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, जो हमारा बेस्ट में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकें, क्या कर सकें, बच्चे जब अलग अलग कैटेगरी के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो उनमें क्या होगा, एक दूसरे से कोलैबोरेशन की भावना बढ़ेगी और वो एक दूसरे से ज़्यादा सीख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरयोग्यता की पहचान करता है? इनमें से ऐसा कौन सा मतलब व्यवहार है जिससे कि पता चलेगा कि बच्चे में कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है? अपमानजनक व्यवहार, कम अवधान और विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, या मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, या फिर बी को डी, वॉज को शॉर्ट, 21 को 12 लिखना। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, बच्चे को वर्णों को समझने में भ्रम हो जाता है, वो क्या करते हैं, बी को डी समझने लगते हैं, वॉज को शॉ समझने लगते हैं, मतलब उन्हें क्या होने लगता है, मिरर रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। जो लर्निंग निरयोग्यता वाले बच्चे होते हैं, उन्हें कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो बी को डी, वॉज को शॉ समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, माध्यमिक शिक्षा की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। कैसा बच्चा है? बधिर बच्चा है, मतलब बच्चा देख नहीं सकता है। तो उसे क्या, मतलब बच्चा सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके प्रति संकेत, उसके प्रति संकेत करें जिससे बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा,
उसे हमें क्या करना है, संकेत करना है जो बार बार नहीं कर पा रहा है बच्चा, या फिर बच्चे को उस स्थान पर बिठाएं जहाँ से वे शिक्षिका के ओठ चेहरे के हाव भाव तौर पर समझ सके। जो बच्चा अच्छे से सुन नहीं सकता है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बच्चे को पहली सीट पर बिठा देना है, क्या कर देना है, बच्चे को पहली सीट पर बिठा देना है जिससे कि वो क्या कर सके, टीचर जो बोल रहा है उसके हाव भाव को समझ सके, उसके ओठ और चेहरे की जो मतलब जिस तरह से वो बोल रहा है बच्चा क्या करेगा, उनसे ग्रास्प करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहाँ से वे शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर पढ़ सके। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अधिगम निरुग्यता वाले बच्चे, जो अधिगम निरुग्यता वाले बच्चे होते हैं जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो कैसे होते हैं? बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, अच्छे तो होते हैं लेकिन उनका जो मानसिक विकास होता है या फिर उनका जो आईक्यू होता है वो कम होता है, या फिर अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, या फिर कुछ भी नहीं सीख सकते, या फिर बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। हम सभी जानते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि होते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं, उन्हें किसी एक साइड में प्रॉब्लम होती है सीखने में, मतलब या तो वो लिख नहीं सकते या फिर उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं वो अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, क्या करते हैं, लर्निंग के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाली सूचना पट्टी का उपयोग करने के लिए कहती है, वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? क्या है कि एक शिक्षिका है वहाँ पर, क्या है, तीखी धार वाला क्या है, फर्नीचर है, और वो क्या करती है, उसे रुई से ढक देती है और बच्चों से कहती है इसे छुओ और अनुभव करो, ये चीज़ का प्रयोग करती है, तो वो किस तरह के बच्चों को पढ़ा रही है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, या फिर सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या है कि बच्चे जो क्या कर रहे हैं वो छूकर महसूस कर रहे हैं, तो छूकर कब महसूस करेंगे, जब उन्हें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, क्या आंसर हो जाएगा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तरीका है जो अध्यापिका को ये बताएगा कि हमें क्या करना है, सृजनात्मक बच्चों की पहचान करनी है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे हैं, मतलब जो अपने आप चीज़ों को कर सकते हैं, जिनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उन्हें पहचान करनी है, तो किस तरह से करेगा? मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, या फिर यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, या फिर बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल कर रही है। तो हमें क्या करना है, जो कंस्ट्रक्टिव बच्चे हैं, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डरते नहीं हैं, उसे सॉल्व करने की क्या करते हैं, पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब उसकी समस्याओं को हल करती है, तो हमें उसे ध्यान देना है कि बच्चा किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। जो बच्चा जितना अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा वही क्या हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सुनने में असमर्थ बच्चा, जिसे सुनने में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे क्या करना चाहिए, श्रवण अक्षमता असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, या फिर नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमें क्या करना है,
बच्चे को नियमित विद्यालय में डालना है। क्या करना है? नियमित विद्यालय में डालना है और उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे क्या कर देना है, वो चीज़ प्रोवाइड करा देनी है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा कोई सुन नहीं सकता है तो उसके लिए हम ऑडियो सीडी का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को ऑडियो सीडी देकर हम जो नियमित स्कूल है उन्हीं में पढ़ा सकते हैं अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें वो साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। जब बच्चा समावेशी कक्षा में एक शिक्षिका को के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। ऐसी योजना बना लें जिससे कि सारे बच्चे एक ही गति से आगे बढ़ें, या फिर यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा में मानक निर्देश दे, केवल बच्चे मतलब क्या करे, शिक्षिका केवल निर्देश ही देती रहे, अपने ही निर्देशों का पालन करवाए, या फिर बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, या फिर सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। तो जब हम एक समावेशी कक्षा में बिठाते हैं बच्चे के लिए तो हमें क्या करना होता है, हमें ये जानना होता है कि हमें प्रत्येक बच्चे को शामिल करना है। कि अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता है तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ों को सिखाना है। मतलब हमें प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को बताना है, करिकुलम डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण करना चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे को विशेष आवश्यकता वाली की ज़रूरत है, मतलब किसी भी उसे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो किस तरह से दार्शनिक दृष्टिकोणों में उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता है तो क्या उसे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? गलत, ये चीज़ तो गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कुछ कर नहीं सकता, मतलब वो सुन नहीं सकता या फिर चल नहीं सकता, वो भी उतना ही अधिकार है एजुकेशन का जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, उन्हें समावेशी शिक्षा का नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। इसे होल्ड पर रखते हैं, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, ये गलत है कि उन्हें केवल व्यावसायिक ही परीक्षण दिया जाएगा या फिर उन्हें पृथक कर दिया जाए, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमें पृथक नहीं करना है, किसी भी बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, हमें एक ही क्लास में बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि हमें विविधता में एकता मनानी है, मतलब एक ही क्लास में रहकर सारे बच्चों को शिक्षा देनी है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। मतलब इसमें कुछ विशेषता दी गई है, उनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती है। आत्मक्षमता नहीं, आत्मक्षमता मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसमें कॉन्फिडेंस तो होगा ही। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएँ या फिर निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएँ या फिर अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो हम सभी जानते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें आत्मक्षमता तो होती ही है, ठीक है, उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं भी करते हैं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कर लेते हैं, उसका समाधान भी कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं। जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसकी जो सोचने समझने की प्रक्रिया होगी वो कैसी नहीं होगी, निम्न नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा है जिसे कम दिखाई देता है, तो वो क्या करेगा। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए या फिर उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है
या फिर विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए या फिर उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो सबसे डी वाला ऑप्शन है, शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। क्यों नहीं देनी चाहिए? अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो क्या उसे शिक्षा नहीं देंगे? ये तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के, नहीं। हमें क्या करना है, बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है, बच्चों के लिए उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है नियमित विद्यालय में तो डालिए, लेकिन अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो उसके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जाए, मतलब ब्रेल लिपि वाली बुक्स का आविष्कार किया जाए। अगर सुनने मतलब देख नहीं सकता है तो फिर क्या करना है, ऑडियो सीडी का यूज़ करना है। तो जब बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब उसे कम दिखाई देना है, तो क्या करना है, उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे क्या करना है, नियमित विद्यालय में डालना है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 15 क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फीडबैक हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके। ओके, बाय, थैंक यू।